हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि सभी की रिक्वेस्ट थी कि फाइनल अकाउंट का मैम एग्जाम करवा दीजिए, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए फाइनल अकाउंट का एग्जाम लिया हुआ है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का है। फाइनल अकाउंट में जाने से पहले हम लोग बेसिक्स जानते हैं कि इसका स्टेटमेंट कैसे बनता है। आप सभी ने 12th में फाइनल अकाउंट, कंपनी फाइनल अकाउंट बनाया है, उसी के साथ साथ फर्स्ट ईयर बीकॉम में भी अकाउंट में वर्टिकल बैलेंस शीट पढ़े हो, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग की यहाँ पे है। हम लोग ने फाइनल अकाउंट ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, यानी बैलेंस शीट और पीएनएल का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, आप उसमें से देख सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटी, जिसमें हम लोग का आता है शेयर होल्डर फंड, जिसमें हमारा शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आता है। फिर उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी होता है। नॉन करंट लाइबिलिटी में चार चीज़ें हैं, जिसमें हम लोग का लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिफर्ड टैक्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ओके। और करंट लायबिलिटी में सेम चीज़ें, बस शॉर्ट टर्म के बेस पे आपको करना क्या है। तो ऊपर अगर लिख रहे हो लॉन्ग टर्म बोरोविंग, तो करंट लायबिलिटी में क्या लिख दोगे, शॉर्ट टर्म बोरोविंग, है ना। फिर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिया तो अदर करंट लायबिलिटी ले लो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब बचा सवाल डिफर टैक्स का, तो डिफर टैक्स की जगह पे आपको क्या डाल देना है, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट में भी याद कर सकते हो। अब उसके नीचे हमारा है असेट्स। असेट्स में वापस दो पार्ट डिवाइड है, एक हमारा रहता है नॉन करंट असेट, दूसरा हमारा रहता है करंट असेट। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहले हमारा आता है फिक्स असेट्स, जिसमें हमारा आता है टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स। फिर उसके बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डिफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस एंड अदर नॉन करंट असेट। अब दोस्तों, आपका सवाल ये हो सकता है कि मैम ऊपर की तरह नीचे वाला भी हम लोग का कुछ शॉर्टकट है। हाँ, डेफिनेटली है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो जैसे ही हमारा करंट असेट हम देख सकते हैं, तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला ही टॉपिक क्या हो रहा है, करंट इन्वेस्टमेंट आया। फिर उसके बाद नीचे हमारा था लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, तो इसमें सेकेंड लास्ट हम लोग का क्या है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। अदर नॉन करंट असेट, तो अदर करंट असेट्स हो गया, यानी हम लोग यहाँ से ये चीज़ें डाल सकते हैं। बीच की जो तीन चीज़ें वो हमारी क्या है, इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज का मतलब दोस्तों स्टॉक होता है, आप प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इन्वेंटरीज हम लोग का जब भी आता है तो हम लोग को स्टॉक ही लिखना है। फिर उसके बाद हम लोग का आता है ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इस तरीके से इसका भी टोटल होता है। टोटल ऑफ असेट्स और टोटल ऑफ लाइबिलिटी हम लोग को इक्वल करना पड़ता है। उसके बाद हमारा है पीएनएल। पीएनएल के अंदर भी हमारा सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, ओके। फिर सेकंड हमारा अदर इनकम है, इसके अलावा कोई और इनकम हम लोग के पास अगर आ रही है तो हमको यहाँ पे डालना है। इसका थर्ड पॉइंट हम लोग का होता है टोटल रेवेन्यू, यानी इन दोनों को प्लस कर दो। फिर उसके बाद हमारा एक्सपांस आते हैं, जिसमें हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज, चेंज इन इन्वेंटरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपांस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और अदर एक्सपांस। ये भी आपकी सारी चीज़ें बुक में अवेलेबल है, इसकी वजह से फटाफट रेड आउट कर रही हूँ। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है टोटल एक्सपांस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपांस को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्सेशन माइनस कर देंगे, और उसके बाद हमारा जो आएगा वो हमारा होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब दोस्तों, ये स्टेटमेंट तो आपको सबसे पहले लिखना ही है। इसके बाद हम लोग को जिस जिस चीज़ों की नोट्स की ज़रूरत है, नोट्स का मतलब अगर हम लोग को कैलकुलेशन करना है तो वो कैलकुलेशन के लिए आप नोट्स बनाते हैं और उसके बेस पे हम नोट नंबर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जो जो क्वेश्चन के हिसाब से नोट रिक्वायर्ड थे वो मैंने यहाँ पे बना दिए है। सारे नोट का एक एक ही पर्टिकुलर अमाउंट ही बनाना है, सिर्फ आपको फ़र्क किस में आएगा तो रिजर्व एंड सरप्लस और हम लोग का फिक्स असेट्स में आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारा क्या रहता है, पर्टिकुलर ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिडक्शन और क्लोजिंग बैलेंस। और सेम चीज़ हम लोग का फिक्स असेट्स में भी रहता है, हालांकि ये सब में हम लोग को फिक्स असेट्स में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, इसकी वजह से उसका मैंने नॉर्मल बना के रखा हुआ है। अगर आपको कुछ एडिशनल कुछ दिया होगा तो आपको इसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस की तरह ही आपको टेंजिबल असेट्स का भी कॉलम बनाना है। तो दोस्तों चलो सम पे चलते हैं। सम यहाँ पे लिया हुआ है मैंने क्वेश्चन नंबर 10th आपके टेक्स्ट बुक का। यहाँ पे दिया है द ट्रायल बैलेंस ऑफ हार्दिक लिमिटेड एज ऑन 31st March 2016 एज एस फॉलो। नीचे में हम लोग को सारे असेट्स और लायबिलिटी दे दिए हैं। हम हमेशा की तरह जब भी हम फाइनल अकाउंट शुरुआत करते हैं तो हम एडजस्टमेंट से शुरुआत करते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। एडजस्टमेंट में बोला हुआ है द क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2016 वॉज 2,25,000, आउट ऑफ विच स्टॉक कॉस्टिंग 50,000 इज हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 65,000। दोस्तों इसका मैं एक छोटा सा रफ कैलकुलेशन जो है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा।
हम लोग को बोला गया है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा वैल्यू कितना था, 2,25,000 का है ना। उसमें से 50,000 स्टॉक की जो कीमत है वो चेंज होके कितनी हो जा रही है, 65,000। तो यहाँ पे मैंने चेंज वैल्यू लिखी है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है स्टॉक कॉस्टिंग 20,000 है, मार्केट वैल्यू ऑफ 10,000। तो 20,000 का जो सामान है उसकी प्राइस कितनी चेंज हो रही है, 10,000 में चेंज हो रही है। और बाकी का जो स्टॉक है उसको रिपेयरिंग का खर्चा लग रहा है 20,000। तो बाकी स्टॉक कितना बचेगा, तो हम लोग पहले तो वो कैलकुलेट करके निकाल देंगे। हमारा टोटल स्टॉक था 2,25,000। तो 2,25,000 में से 50,000 और 20,000 को हमने माइनस कर दिया, यानी हमारा बचा 1,55,000। और उसमें से हमको रिपेयरिंग एक्सपेंस को माइनस कर देना है, माइनस 20,000 कर दिया तो हमारा आया 1,35,000। ठीक है, अब हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक जब भी आप करोगे, आप ये चीज़ याद रखना, हमेशा हम लोग लेस वैल्यू ही करते हैं, यानी लेस वैल्यू ही लेते हैं कैलकुलेशन पार्ट में। तो सबसे पहला ये वाला हमारा लेस था, हमने ये ले लिया। दूसरे वाले में 20,000 और 10,000 कौन सा लेस है, 10,000 लेस है तो हम 10,000 ले लिए। तीसरे वाले में 50,000 और 65,000 था, तो कौन सा लेस है, 50,000, हम 50,000 लेंगे ना कि 65,000, क्योंकि हम लोग लेस वैल्यू ही देखते। तो अब तीनों को अगर हम प्लस करेंगे, यानी 50,000 प्लस 10,000 प्लस 1,35,000, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1,95,000। मैं आपके लिए नीचे यहाँ पे बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से प्लस किया है, 50,000, 10,000 और 1,35,000 तीनों को प्लस करके हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया 1,95,000। अब ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग डालेंगे कहाँ पे, हमारा चेंज इन स्टॉक में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक डालते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले डालेंगे। यहाँ पे मैंने चेंज इन स्टॉक जो है यहाँ पे बना के रखा हुआ है, जिसको मैंने नोट नंबर 8 नाम दे दिया है। तो यहाँ पे दो चीज़ आती है, एक हमारा रहता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा हमारा रहता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा डायरेक्टली हम माइनस में रख देंगे, 1,95,000। ओके, और इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ आती है, तो सेकेंड एंट्री हमारी इन्वेंटरीज़ में आती है। आप सभी ने बैलेंस शीट ऑलरेडी कर ही दिया है, तो बैलेंस शीट में आपको पता है कि इन्वेंटरीज़ में हम लोग डालते हैं डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक। तो वहाँ पे हम जाएंगे, बैलेंस शीट निकाल लेंगे, बैलेंस शीट में हमारा इन्वेंटरीज के यहाँ पे डाल देंगे 1,95,000 डायरेक्ट। ओके, ये हम लोग का सॉल्व हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है मेक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 4,20,000। हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना देना है दोस्तों, 4,20,000। अब प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ पे जाता है, तो सबसे पहले तो टैक्स दिया हुआ है ना, हम लोग ने लिखा हुआ था, तो उसके अंदर हम डायरेक्टली डाल देंगे कितना, 4,20,000। यहाँ पे हमने डाल दिया 4,20,000, जिसको हमको माइनस करना है तो ये माइनस में रख देंगे। और सेकेंड एंट्री कहाँ पे जाएगी, तो सेकेंड एंट्री हम लोग की जाती है प्रोविजन, यानी सेकेंड एंट्री के लिए हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो उसके अंदर हम लोग डाल देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, जिसका वैल्यू हम लोग का कितना था, 4,20,000। हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला हुआ है प्रोवाइड 10% बैड डेट एंड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर। तो दोस्तों डेप्टर्स और बैड डेट हम लोग का क्या रहता है, ट्रेड रिसीवेबल रहता है। तो हम ट्रेड रिसीवेबल के कॉलम में चले जाएंगे, वहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो लिखेंगे डेप्टर माइनस बैड डेट माइनस बैड डेट रिजर्व। ये तो आप लोग ऑलरेडी 11-12 से करते आ ही रहे हो। ठीक है, तो हम लोग के क्वेश्चन के हिसाब से हमारा डेप्टर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हम देख लेंगे पहले डेप्टर्स का वैल्यू। ओके, तो आपका डेप्टर्स का जो वैल्यू है वो हम लोग का है 15,00,000। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 15,00,000 डेप्टर। ठीक है, अब उसमें से हम लोग को बैड डेट के लिए कितना बोला हुआ है, प्रोविजन फॉर बैड डेट बोला 10%। तो 15,00,000 का अगर हम लोग 10% कर देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1,50,000 है ना। और फिर उसके बाद हम लोग को बैड डेट रिजर्व बोला 5%। तो हम लोग को क्या करना है, 15,00,000 में से 1,50,000 पहले माइनस करना है, जो आंसर आया उसका हमको करना है 5%, यानी बैड डेट रिजर्व हम लोग का हो गया 67,500। अब इसके बाद सारा कुछ प्लस माइनस करके बाहर 15,00,000, उसमें से 1,50,000 माइनस, उसमें से 67,500 माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 1,28,250। तो वो हम लोग डाल देंगे 1,28,250। ठीक है,
अब दोस्तों इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे जाती है, तो सेकंड एंट्री हम लोग की पीएनएल में जाती है। अब पीएनएल में हम लोग ने क्या बना हुआ है, अदर एक्सपांस, तो अदर एक्सपांस में हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, बेड डेप ओल्ड प्लस बेड डेप न्यू प्लस बी डी आर न्यू माइनस बी डी आर ओल्ड। आप अगर आपके हिसाब से करोगे तो ट्रायल और एडजस्टमेंट भी लिखते हैं। हम न्यू और ओल्ड लिख के पहले से, इसकी वजह से हमने यहाँ पे न्यू और ओल्ड ही लिखा हुआ है। हम लोग को न्यू दो बैलेंस मिले, एक बेड डेप न्यू हम लोग का आया 1,50,000 और दूसरा बेड डेप रिजर्व न्यू हमारा आया था 67,500। तो हम वो दोनों चीज़ें यहाँ पे डाल के रख दिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड 5% ऑफ अदर टेंजिबल फिक्स असेट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए दोस्तों हमको कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग का निकाला हुआ डेप्रिसिएशन और फिक्स असेट्स के ऊपर है, तो हम लोग पहले तो फिक्स असेट्स के ऊपर कर देंगे। फिक्स असेट के लिए उन्होंने बोला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग का 10%, तो हम लोग सबसे पहले कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग 36 लाख उसकी बुक वैल्यू दी थी और उसमें से 10% हम माइनस कर देंगे, मतलब 3,60,000 माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना दोस्तों हम लोग का 32,40,000। ये हो गया। सेकंड हम लोग को बोला बाकी का जो फिक्स असेट है उसके ऊपर हम लोग को 5% हम लोग को डेप्रिसिएशन डालना है। तो बाकी दो फिक्स असेट्स हम लोग को दिए हुए, एक प्लांट एंड मशीनरी जिसका वैल्यू हम लोग का था 30 लाख और उसका 5% कर देंगे यानी आएगा 1,50,000, माइनस कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 28,50,000। ओके, और एक और हम लोग का फिक्स असेट दिया हुआ है जिसका नाम था फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 6 लाख, उसका 5% निकाल देंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 30,000, बैलेंस बाहर हो जाएगा 5,70,000, ठीक है। दोस्तों अब ये तीनों तो यहाँ पे ख़त्म हुआ, लेकिन इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो सेकेंड इफेक्ट हम लोगों ने नोट नंबर 10 डेप्रिसिएशन का कॉलम बना के रखा हुआ ही है, तो वहाँ पे तीनों के डेप्रिसिएशन डाल दो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और तीसरा हमारा फर्नीचर था। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आया था 3,60,000, प्लांट एंड मशीनरी का आया था 1,50,000 और फर्नीचर का आ गया था हमारा 30,000। ओके दोस्तों, यहाँ पे ये हम लोग का पॉइंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग को बोला है राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपांस। प्रिलिमिनरी एक्सपांस को हम लोग को रिटर्न ऑफ करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपांस कितने का था, 45,000 का था, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे प्रिलिमिनरी एक्सपांस कितना, 45,000। ओके, ये हो गया। उसके बाद लास्ट हम लोग का है ₹50,000 इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फ्रॉम द करंट ईयर प्रॉफिट। हम लोग का जो 50,000 है वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, और वो कहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो पीएनएल में से ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम लोग वो कहाँ पे काम करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएंगे। यहाँ पे हम करेंगे पीएनएल डिडक्शन में हम लिखेंगे 50,000 जो कि हम लोग का ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व था, ठीक है। और उसी कॉलम में हम एक और चीज़ ऐड कर देंगे यानी जनरल रिजर्व के एडिशन में डाल देंगे 50,000, यानी पीएनएल में से हटा दिया और कहाँ पे डाल दिया, जनरल रिजर्व के कॉलम में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, तो हमारे जो ऊपर की सारी चीज़ें बची हुई है हम उसको डालते जाएंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, अब आया परचेस। परचेस दोस्तों कहाँ पे जाता है, तो परचेस का हम लोगों ने डायरेक्टली कॉलम बना के रखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट कॉलम पे चलेंगे। परचेज हमने क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और उसके नीचे ही हम लोगों ने डाल दिया परचेज। वैल्यू कितनी थी, 27 लाख, तो परचेज हम कर देंगे 27 लाख। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का दिया हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस दोस्तों क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है ना, तो डायरेक्टली वहाँ पर डाल देंगे कैश एंड बैंक में 1,44,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ पे डालेंगे दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम लोग का डायरेक्टली चला जाएगा इन्वेस्टमेंट के कॉलम में, और इन्वेस्टमेंट हम लोग का कहाँ पे आता है, हम लोग का असेट्स में, है ना, तो असेट्स में हम लोग डाल देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के हेड में। यहाँ पे हम लोग कर देंगे इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आप जैसे आप डालना चाहो वैसे डाल सकते हो। ये हम लोग का था 15,000, ठीक है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है बेड डेप। अब बेड डेप हम लोग का क्या है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी ओल्ड वाला बैलेंस जो है वो लिख रखा था, तो हम वहाँ पे चले जाएंगे। बेड डेप ओल्ड हम लोगों ने लिख रखा है, कितना था दोस्तों हम लोग का बेड डेप ओल्ड 45,000, तो हम यहाँ पे कर देंगे 45,000। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग का है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अब कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपांस होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम डाल देंगे कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। वो कितना बैलेंस था दोस्तों, 18,000, तो हम यहाँ पे कर दिए 18,000। फिर उसके बाद हम लोग का आया ऑफिस एक्सपांस। ऑफिस एक्सपांस हम लोग का अदर एक्सपांस हो जाता है, तो हम यहाँ पे अदर एक्सपांस के कॉलम में कर देंगे ऑफिस एक्सपांस, जिसका बैलेंस हम लोग का था 2,40,000। फिर नेक्स्ट हम लोग को दिया सैलरी। अब सैलरी भी जो है वो हम लोग की क्या रहती है, एम्प्लॉयड एक्सपांस रहती है, तो सैलरी हम लोग कहाँ पे डालेंगे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपांस में कर देंगे सैलरी, जिसका वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया, 1,80,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का आया ऑडिट फीस। ऑडिट फीस हम लोग का क्या रहता है, अदर एक्सपांस रहता है, तो ऑडिट फीस हम लोग कर देंगे यहाँ पे अदर एक्सपांस में, ऑडिट फीस कर दिया, जिसका बैलेंस था हम लोग का 75,000। फिर उसके बाद डायरेक्टर फीस दे दिया, तो डायरेक्टर फीस हम लोग कर देंगे कितना था दोस्तों, 4,50,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को दिया है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। अब दोस्तों इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारी क्या रहती है, लायबिलिटी रहती है, तो हम लायबिलिटी के कॉलम में चला जाएंगे, और वहाँ पे हम लोग का यहाँ पे आया अदर करंट लायबिलिटी, जिसके हेड में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, या इंटरेस्ट लिख दो आपकी मर्ज़ी, आपको जो लिखना है, मैं नॉर्मली इंटरेस्ट ही डाल रही हूँ। यहाँ पे हमारा आया 30,000। फिर उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है दूसरे साइड इक्विटी शेयर कैपिटल। अब दोस्तों इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल आता है, वहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना बैलेंस है इक्विटी शेयर कैपिटल का, 51 लाख, तो 51 लाख हमने लिख रखा। उसके नीचे हमारा दिया हुआ है शेयर फोफीचर। तो शेयर फोफीचर हम लोग का क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल में हम शेयर फोफीचर को प्लस करते हैं। दोस्तों ये याद रखना, अगर फोफीचर आया तो आपको प्लस करना है, और अगर उसकी जगह पे कॉलिंग एरियर्स आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल माइनस। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का आया सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम लोग कर देंगे 54,000। देन हम लोग को दिया हुआ है कैपिटल रिजर्व, ये भी हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, तो कैपिटल रिजर्व हम लोग कर देंगे 1,65,000। उसके नीचे हम लोग को दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हम लोग ने ऑलरेडी लिख रखा था, तो उसमें ओपनिंग बैलेंस हम डाल देंगे 3,60,000। फिर उसके बाद हम लोग का आया प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड दोस्तों क्या होता है, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, तो वहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रोविडेंट फंड। कितना बैलेंस था प्रोविडेंट फंड का, 2,10,000, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2,10,000। फिर उसके बाद हम लोग का आया 10% डिबेंचर। अब 10% डिबेंचर क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग होता है, तो वहाँ पे हम कर देंगे 10% डिबेंचर, और उसकी वैल्यू कितनी दी थी, 6 लाख, तो वहाँ पे हम कर देंगे 6 लाख। नेक्स्ट हम लोग को दिया सेल्स। सेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला क्या होता है दोस्तों, इनकम, तो इनकम के कॉलम में चले जाएंगे, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और वहाँ पे हम लोग कर देंगे सेल्स। सेल्स का वैल्यू कितना था दोस्तों, 50,000। ओके, फिर उसके बाद हम लोग का आया क्रेडिटर। क्रेडिटर हम लोग का क्या रहता है, ट्रेड पेबल। यहाँ पे हमने ट्रेड पेबल का कॉलम बनाया नहीं है, हम डायरेक्ट, हाँ सॉरी, बनाया हुआ है, तो वहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर का बैलेंस हम लोग का कितना है, 9 लाख, तो 9 लाख लिख के रख दिया। उसके नीचे हमारा तुरंत है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल भी हमारा ट्रेड पेबल ही रहता है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का बैलेंस था 60,000, तो हम यहाँ पे 60,000 डाल दिए। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने बना के रखा था, 2,40,000 ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे। नेक्स्ट हम लोग को दिया पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट दोस्तों क्या है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोविंग में डाल रही हूँ पब्लिक डिपॉजिट, जिसका बैलेंस था हमारा 1,80,000। नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है सन्ड्री इनकम। अब ये इनकम अदर इनकम के हेड में आता है, क्योंकि इसके अलावा कोई और इनकम नहीं था,
तो संड्री इनकम हम कहाँ डाल देंगे, अदर इनकम में। कितना बैलेंस था, 27,000, तो 27,000 डाल दिया। मैं यहाँ पे डायरेक्टली डालते जा रही हूँ, आप चाहो तो अपने जो भी एक्सपांस या इनकम है उसको सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं बता सकते हो। फिर उसके बाद हम लोग का आया प्रिलिमिनरी एक्सपांस, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डाल दिया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपांस, ये हमारा क्या रहता है, अदर एक्सपांस। तो वहाँ पे हम अदर एक्सपांस के कॉलम में चले जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपांस, जिसका बैलेंस हमारा 48,000। फिर उसके बाद हम लोग का दिया हुआ है इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। अब दोस्तों इनकम टैक्स पेड इन एडवांस जो है वो हमारा रहता है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। हम लोग का नॉर्मल इनकम टैक्स होगा तो वो PNL में से माइनस होगा, लेकिन एडवांस वाला अगर इनकम टैक्स है तो आपको ये याद रखना है वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस में जाता है। तो इसकी वजह से हम डायरेक्टली जाएंगे कॉलम में, वहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस लिखा हुआ ही था, वहाँ पे हम इनकम टैक्स कर देंगे। कितना बैलेंस था दोस्तों इनकम टैक्स का, 1,50,000, तो वहाँ पर हम डाल देंगे 1,50,000। ओके, नेक्स्ट हम लोग को बोला डेटर। डेटर हम लोग का क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल का कॉलम हमारा क्या है, 7 नंबर का, तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी डेटर्स का कॉलम कर ही दिया था। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल है जो कि 90,000 है, तो वहाँ उसके नीचे ही हम कर देंगे बिल्स रिसीवेबल 90,000। नेक्स्ट हम लोग को दिया हुआ है स्टॉक। अब ये स्टॉक जो है हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक हम लोग ने ऑलरेडी उसके नीचे के कॉलम में लिखा ही था, तो वहाँ पे हम कर देंगे 1,50,000। फिर उसके बाद हम लोग का आया गुडविल। अब दोस्तों गुडविल क्या है, तो गुडविल हमारा रहता है इंटेंजिबल असेट, है ना। तो हम यहाँ पे इंटेंजिबल असेट्स यानी यहाँ पे डायरेक्टली डाल देंगे गुडविल। कितना था हमारा, 4,20,000, बैलेंस शीट में मैंने डायरेक्टली गुडविल डाल दिया। फिर उसके बाद उसके लास्ट नेक्स्ट कॉलम में है बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व हमारा ये ओल्ड वाला है क्योंकि ट्रायल वाला है, तो बैड डेट रिजर्व हम लोगों ने कहाँ लिखा था, अदर एक्सपांस में उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ था बैड डेट रिजर्व, उसमें माइनस में रख दो 24,000 और इसको टोटल को बाहर कर देंगे। देखते इसका कितना आया, 45,000 प्लस 1,50,000 प्लस 67,500 माइनस 24,000, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर है 23,8,500। अब दोस्तों जहाँ तक आप सभी ने देखा, मैंने सारे एडजस्टमेंट और ट्रायल को सॉल्व कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पूरा बैलेंस शीट का टोटल कर दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस जो है वो है 607,500। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दी जो मेरे से रह गई थी, वहाँ पे हम लोग को डिबेंचर दिया था, डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट दिया था यानी परसेंटेज फॉर्म में दिया था, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया उसको परसेंट में निकाल के फाइनेंस कॉस्ट में रख दिया, जिसका वैल्यू था 60,000। तो आपको ये करना है तो प्लीज़ इसको कर लीजिए। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे टोटल कर दिया, टोटल हमारा आया 607,500 और ये 607,500 हम लोग कहाँ पे डालेंगे, तो एडिशन के कॉलम में डाल देंगे। अब इसको हम लोग टोटल कर देंगे 2,40,000 प्लस 607,500 माइनस 50,000, तो हमारा बैलेंस आया 797,500 और बाकी का बैलेंस तो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ ही है, हम उसको उतार लेंगे 54,000 था, फिर 1,65,000 दोनों को प्लस करके और 4,10,000। ओके, अब ये सबको प्लस कर दिया, इनका बैलेंस कितना है, 1,42,650। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का कॉलम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है छोड़ के, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1,42,650। देन उसके बाद हम बैलेंस शीट मैच कर लेंगे, 5,130 प्लस 1,42,650 प्लस 7,80,000 प्लस 9,60,000 प्लस 30,000 प्लस 6,30,000 का हमारा बैलेंस आया 8,956,500। और सेम बैलेंस हमारा नीचे की साइड भी आ गया है, तो हमारा ये जो बैलेंस शीट है वो क्या हो गया, मैच हो गया। तो दोस्तों जब भी आप बैलेंस शीट करोगे आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको ये याद रखना है कि कौन से एक्सपांस या कौन से असेट्स लायबिलिटी है कहाँ पे जाते हैं, क्योंकि अगर वो याद रहा तो आप क्विकली ये सम कर सकते हो, वरना ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। और इसको करके जाना बिकॉज ये एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको अटेंड तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको मेरे वीडियो से समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।